आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक अंकीय संख्या से भाग। जिस संख्या में सिर्फ इकाई का अंक हो उस संख्या का भाग हम ऐसी संख्या में देंगे जिसमें दो या दो से ज़्यादा अंक हो। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस उदाहरण से समझते हैं। भाग के इस प्रश्न में यहाँ पर हम दो का भाग 31 में दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम दो का पहाड़ा 3 तक बोलेंगे। 2 एकम 2, लाइन खींची और 3 में से 2 को कम कर दिया। 3 में से 2 को कम करने पर हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हमने 2 का पहाड़ा बोला था 2 एकम 2, जो कि 3 से छोटा था। अगर हम 2 दूने 4 बोलते तो वो 3 से बड़ा हो जाता। और पहाड़ा जो हमने कहा एक बार बोला तो वो 1 2 एकम 1 यहाँ ऊपर लिख दिया 3 के ऊपर, क्योंकि ये 3 के लिए बोला गया था। 3 में से 2 को घटाने पर जो बच गया 1, वो हमने इसके ठीक नीचे लिख दिया। अब क्योंकि हम ने 3 के लिए पहाड़ा अभी बोला और उसके बगल में एक अंक और छूट गया 1, तो अब हम इस अंक को यहाँ उतार देंगे इसके ठीक नीचे। ये संख्या बन गई हमारी अब 11। फिर पुनः हम 2 का पहाड़ा 11 के लिए बोलेंगे, यानी पहाड़ा ऐसा कहेंगे कि उसमें 11 या उससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा हमने बोला 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। अभी तक तो 11 से छोटा है। अगर हम 2 6 हो जाते हैं 12, तो 12 11 से बड़ी संख्या हो गई। तो हमें अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें क्या तो इसके बराबर मिल जाए या इससे छोटा देखना है। तो 2 5 10, हमने इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई संख्याओं को इस तरीके से लिखना है। लाइन खींची और 11 में से 10 को कम घटा देना है या कम कर देना है। अब इकाई के स्थान पर 1 है और यहाँ 0 है। 1 में से 0 को कम करने पर 1 बच गया। इधर दहाई के स्थान पर 1, इस वाली संख्या में भी दहाई के स्थान पर 1 है। 1 में से 1 कम करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए ये भाग की प्रक्रिया यहाँ पे पूर्ण हुई। हम एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें एक अंकीय संख्या का भाग 3 अंकों वाली संख्या में दे रहे हैं। यहाँ पे जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो है 3 और जिसमें दे रहे हैं वो है 568। अब 3 का भाग देने के लिए सबसे पहली संख्या देखेंगे इधर से, ये है 5, जो कि 3 से बड़ी है। तो यानी अगर बड़ी हो तो इसमें भाग चले जाएगा। तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 एकम 3, 3 दूने 6, 6 इस 5 से बड़ा हो रहा है, यानी 3 एकम 3, एक बार जाएगा भाग। हम लाइन खींचेंगे और इस 5 में से 3 को घटा देंगे। 5 में से 3 को कम करने पर हमें 2 प्राप्त होता है। अब 5 में तो हम दे चुके हैं भाग, इसके बगल वाली संख्या है 6, इसको एक बार में एक ही संख्या उतारते हैं, तो 6 हमने यहाँ नीचे लिख दी। अब ये संख्या बन चुकी है 26, 26 जो कि 3 से बड़ी है। फिर 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15,
तीन छके 18, तीन सते 21, तीन अठे 24। तो एक बार और समझो बच्चों, यहाँ 26 है। हमने कहा कि जब हम पहाड़ा बोलेंगे तो इसके बराबर या इससे छोटी संख्या हो, लेकिन वो छोटी संख्या कितनी छोटी हो? तीन का पहाड़ा हमने पढ़ा, तीन एकम तीन, 26 से छोटा है। तीन दुने छः, वो भी 26 से छोटा है। तीन तिया नौ, 26 से छोटा है। और ऐसे ही करते करते तीन अठे 24 हमने कहा, तो वो भी 26 से छोटा है। तो हमने छोटी संख्या ऐसी ढूंढनी है जो उस पहाड़े में, उस संख्या के पहाड़े में बड़ी से बड़ी हो, लेकिन जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उससे छोटी हो। जैसे तीन अठे 24, लेकिन अगर हम तीन नमे 27 बोलते हैं तो वो 26 से बड़ी हो जा रही है। तो तीन अठे 24। आप फिर इसको कम कर देंगे 26 से। 26 में इकाई का अंक 6 और 24 में इकाई का अंक 4। 6 में से 4 कम करने पर 2 इकाइयां बची हमारे पास। इधर दहाई में 2 और 24 में भी जो दहाई का अंक है वो 2। 2 में से 2 कम करने पर 0 शेष बचता है। अब देखते हैं हम इसमें, हमारे पास एक और अंक है। अगली बार इस अंक को यहाँ पर उतार दिया हमने, यहाँ पे संख्या बन गई 28। अब फिर से हम तीन का पहाड़ा बोलेंगे, तीन कम तीन, तीन दोने छः, ऐसा करते करते तीन अठे 24, तीन नमें 27, जो कि 28 से छोटा है अभी, और तीन दहाई 30, जो कि बड़ा हो जा रहा है। तो तीन नमें 27, 9 खींची घटाया, इकाई के स्थान पर 8 और यहाँ 7। 8 में से 7 कम करने पर 1 शेष बचा और 2 में से 2 कम करने पर 0। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास अगला कोई अंक नहीं है, तो हमारा ये प्रश्न, ये भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई। ये हुआ शेष और ये हमें भागफल मिल गया। अगर हम एक अंकीय संख्या का भाग चार अंकों वाली संख्या में दें, तो जैसे हमने अभी दो अंकों की संख्या या तीन अंकों की संख्या में भाग दिए, उसी प्रकार से हम इस संख्या में भी एक अंक वाली संख्या का भाग देंगे। अब यहाँ पर एक अंक वाली संख्या है 4 और ये जो चार अंकों की संख्या है इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है 6, सैकड़े के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 9 और इकाई के स्थान पर 4 है, यानी ये 6394 हुई संख्या। अब चार का पहाड़ा एक अंक के लिए यहाँ पे देखते हैं, तो चार एकम 4 और चार दो ने 8 बड़ा हो जा रहा है, तो एक बार जाएगा इसमें भाग, चार एकम 4, चिन्ह खींच के 6 में से 4 को कम किया तो 2, अगली संख्या उतारी यहाँ पे 3, संख्या बन गई 23। फिर चार का पहाड़ा बोलेंगे, चार एकम 4, चार दो ने 8, चार तीन 12, चार छको 16, चार पंजे 20 और चार छके 24, 24 तो बड़ा हो रहा है, तो चार पंजे 20, 20 हम इस संख्या के ठीक नीचे लिख देते हैं। अब 23 में से 20 कम करने पर, यानी 3 में से 0 कम करने पर बचा हमारे पास 3। किसी भी संख्या से 0 कम करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, और अगर दोनों संख्याएं समान हों, यहाँ पे भी 2 है और ये भी 2 है, एक जैसी संख्या है, तो एक संख्या से दूसरी संख्या को कम करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। इसके बाद हम अगला अंक उतारेंगे, ये हो गया 9, संख्या बन गई 39। चार का पहाड़ा बोलेंगे, चार छः 24, चार सत्तर 28, चार अठे 32, चार नमें 36, चार अठे 32, चार नमें 36, नमें 36, 36 क्या हो रहा है, इससे छोटा है, और चार दही 40 होता है, वो इस 39 से बड़ा हो जा रहा है। अब
इकाई के स्थान पर 9, इसमें से 6 कम करते हैं तो हमारे पास 3 बच गया। दोनों ही संख्याएं समान हैं तो घटाने पर 0 शेष बचा। इसके बाद हम 4 को उतारते हैं तो ये संख्या बन गई 34। अब 4 का पहाड़ा बोलते हैं, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्तर 28, 4 अठे 32, 32 जो कि 34 से छोटा है, और 4 नवे तो 36 होता है जैसा हमने पहले देखा था। तो 36 क्या हो रहा था, 34 से बड़ा, इसीलिए 4 अठे 32 उससे छोटी संख्या। तो अब हम 4 में से 2 को कम करते हैं, 4 में से 2 को कम करने पर हमें 2 मिला, और 3 में से 3 को घटाने पर 0। इसके बाद हमें उतारने के लिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये हो गया शेष और ये हो गया भागफल। उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।